विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ ने दिया स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी हेतु ज्ञापन। विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ के संस्थापक पंडित सुभाष चंद्र दीक्षित के द्वारा सनातन धर्म के ऊपर अवैध टिप्पणी की। सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य किस धर्म का है? स्वामी प्रसाद मौर्य ये बताएं वह किस धर्म का है। विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ के बैनर तले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भिजवाने को लेकर जिला अधिकारी को आज दिनांक 5 सितंबर 2023 को ज्ञापन सौंपा गया। आज ज्ञापन देने में ये कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। संस्थापक पंडित सुभाष चंद्र दीक्षित, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष शिव ओम दीक्षित, जिला अध्यक्ष समीर शर्मा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष शर्मा, महानगर अध्यक्ष भुवन शंखधार, जिला अध्यक्ष बिजनौर अंकित कौशिक, जिला महामंत्री भुवन चंद्र, पीहू शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो टकराएगा दूर हो जाएगा। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, सनातन एकता जिंदाबाद, सनातन एकता जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य। और मैं विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ का संस्थापक हूँ। ये हमारी मांग कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अबाधित टिप्पणी की है कि ये सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो जो काई की तरह, मतलब इस तरह का व्यंग वचनों का जो इन्होंने प्रयोग किया है, इनको इस तरह का कोई व्यंग वचन प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि ये कहते हैं सनातन धर्म नहीं है तो ये बताए ये कौन से धर्म से पैदा हुआ है, ये कौन से धर्म को पालन करता है, किस धर्म का है, ये क्या जानता है, क्या है धर्म, ये मेरे को बताए। और नहीं तो इसको सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून कार्रवाई कर और इसको जेल में डालें। कहाँ से आए हैं आप? मुरादाबाद से। कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं? अच्छा, बताए क्यों आए हैं? क्या चाहते हैं आप? और जेल में जाए।